हेलो, नमस्कार। सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज एक मिड्डी बनाएंगे हम। ये हमारा कपड़ा है, 1.5 मीटर कपड़ा है और ये हमारी 9-10 साल की लड़की की मिड्डी तैयार करनी है हमने। ठीक है, आज हम मम्मी इसको तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे। ऊपर से पहले हम टॉप निकालेंगे इसका, नीचे का घेर बाद में निकालेंगे। पहले 15 इंच का हम अपना टॉप निकालेंगे, 34 की हमने तैयार करनी है ये। सबसे पहले हम तीरा लेंगे, ये हमारा 6 का लेंगे और 6 के लेंगे इसके मुड्डे। छाती लेंगे 7 के और इसमें हम जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 1 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच ऐड करेंगे इसमें। और कमर लेंगे इसकी 7 की, क्योंकि यहाँ पे हमने बेल्ट लगानी है, बेल्ट लगानी है, उसमें ये कवर हो जाएगा। ये 1.5 इंच का हमने ये मार्जिन छोड़ दिया है। ये हमने यहाँ पे गोलाई करके अब इसके हम टॉप की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 8 इंच की छटाई करेंगे, 3 इंच और ये ऐसे यहाँ पे 8 इंच निशान लगा देंगे। ये हमारी लाइन है जो, और ओके, टॉप कंप्लीट है। अब नीचे का जो हमारा घेर है वो काटेंगे। ठीक है, ये हमने 27 की लंबाई ले ली है इसकी, जो नीचे का हमारा घेर है। ठीक है, अब इसका समोसा जैसे होता है ऐसे समोसा टाइप इसकी तय बनाएंगे। देखिए, इस तय को समोसा बोलते हैं, समोसा तय। इसको ऐसे फोल्ड कर लिया हमने समोसे लुक में और अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ठीक है, ऊपर से देखना है ये हमारी कमर कितनी है। कमर है हमारी 7 की, तो यहाँ पे हमारी 7 की कमर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसको यहाँ पे निशान लगा दिया मैं। और ये वहाँ ऊपर से नेप कर नाप लेंगे कितना है। ये 9.5, 9.5 पे ही यहाँ पे हमने निशान लगाना है और 9.5 पे ही हमने बीच में निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस पे बना दिया। अब ये इस साइड से देखिए, ये है हमारा 17 का और ये तो हमारा साइड, हमें लंबाई लेनी है इस कोने से। यहाँ पे हमने लंबाई लेनी है, कितनी भी जितनी में जरूरत है उतनी कर लेंगे। ठीक है, ये हम लेंगे यहाँ से 21, तो ये हमने गोलाई करनी है। बीच में करेंगे हम, जैसे ये हमारा 17 है, 17 के अकॉर्डिंग 1-1 इंच कम करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लेना है 18, यहाँ पे हमने लेना है 19 और यहाँ पे लेना है 20, तो ये ऐसे लुक आ जाएगी इसकी बिल्कुल गोल। ठीक है, हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये ऊपर से करेंगे। इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया अब नीचे का घेर। ये देखिए, ठीक है, मिड्डी का जो नीचे का घेर बनाना था वो हमारा इतना ये घेर है नीचे वाला। ठीक है, अब इसके हम बाजू काटेंगे।
ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हमने बाजू काटने, बाजू लेंगे हम 5 इंच की, आगे रबड़ डालेंगे और पफ वाली बाजू बनाएंगे इसकी। पफ वाली बाजू में हमें 4 इंच या 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ये बेबीज का है तो 4 इंच काफ़ी है इसमें, ठीक है 4 इंच ऊपर से छोड़ देंगे ऐसे निशान लगा के, ये ऊपर है जो बंद हिस्सा है वहाँ पे हमने छोड़ना है। 5 की तैयार करेंगे तो 7 की लेंगे हम, यहाँ पे ये 7 इंच का निशान लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मुड्ढे जितने लेना है बिल्कुल स्ट्रेट में लेने हैं, तो यहाँ पे भी हमने 7 का है, तो जिस तरह मुड्ढे लिए थे 6 के और एक 7 इंच, 7 और यहाँ पे भी हमने 7 लेना है, यहाँ पे 7x7 का हो गया ये ऐसे। इसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे मुड्ढे की गोलाई के लिए, और ये मिला देंगे ऐसे, ये स्ट्रेट रहेगा, ये सिर्फ गोलाई में जाएगा। यहाँ से गोलाई करके इसको फिर ऊपर बिल्कुल सीधा काटना है, ये इतने में तो मैं चुनट बनानी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बाजू की छटाई यहाँ तक है, ठीक। ये हमारा कपड़ा है, अब इसमें हम सिलाई करेंगे, ठीक। ये हमारा ऊपर का टॉप है, इसमें हमने थोड़ा बोट नेक करना है, बोट नेक करने के लिए हमने चौड़ाई लेनी है इसकी 3 इंच की, देखिए ऐसे, ठीक है, और 3 इंच ही ऐसे लेना है, आगे का और पीछे का हमने सेम करना है, एक जैसा बनाना है, मतलब 3 का ही लेना है, अब इसके हम कटिंग कर देंगे दोनों ही आगे और पीछे का हमारे। आगे वाले पार्ट की हम छटाई करेंगे, इसके कई तरीके होते हैं आगे वाले पार्ट की छटाई के, एक तो हम यहाँ से 1 इंच अंदर ऐसे मिला के और ये यूं मिला दें, और गोलाई कर दें यूं, ठीक है। ये आगे वाले पार्ट की हम कटिंग कर देंगे, पीछे वाले को निकाल देंगे इसमें से, ये हमारा बैक है जो मैंने निकाल दिया है, और ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, इसकी हम छटाई कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक है और इसमें हमने यहाँ पे कट लगाना है, ये हमारा कट लगाएंगे हम 3.5 इंच का यहाँ तक, ठीक है, और इस पे ये नीचे रख के पट्टी ऐसे एक सिलाई लगा देंगे, पहले हम इसमें कट लगा लेंगे ऐसे, इस पट्टी के ऊपर रख के ऐसे, पट्टी हमने सीधी रखी है और हमारा टॉप उल्टा ऐसे, एक सिलाई लगाएंगे यूं और इसको फिर हम पलट देंगे, जैसे गले को पलटते ना ऐसे ही, ठीक है। हमने ये बैक में लगा ली है पट्टी, यहाँ पे हमारे बटन हो गए ऐसे कुछ भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट है, अब इसके ऊपर इसको रखेंगे, दोनों तीरे से ऊपर से सिलाई कर देंगे इनकी, ठीक है। अब इस पे हम पट्टी लगा देंगे, पहले तो हमारा जो ये गला है इसी को तैयार करेंगे, ठीक है। अब ये पट्टी है हमारी,
रेप की पट्टी बोलते हैं इसको, ये हम लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड में इसको लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने लगानी होती है इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में, जो हमारे गले का घेर बना है इसी में। ऐसे पूरे में लगा लेंगे एक गले, इसलिए हमने लास्ट में आके भी ऐसे ही थोड़ा फोल्ड करके इस पट्टी को लगाना है। देखिए यहाँ पे आके मैंने थोड़ा लंबा काट लिया था इसको, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरे गले में हमें कट लगा लेंगे। पट्टी हमारी लग चुकी है, अब इसमें कट लगा के फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने इसमें कट लगा लिए हैं, अब इस पे ऐसे पूरी सिलाई लगा देंगे। हमारा जो आगे और पीछे का नेक है इस पे हमने स्टिप लगाई है, जो इस पे हम ऐसे करके पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, और अब हम नीचे जो हमारा घेर हमने काटा था वो अटैच करेंगे हमारे टॉप के साथ, ऐसे रखेंगे। और ये हमारा घेर है, हमारा पूरा हो गया है यहाँ पे घेर जो हमने काटा था, इसे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स हैं, बाजू है मतलब, इन बाजू पे हमने नीचे से 6 इंच रख के यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे और यहाँ पे भी 6 इंच का निशान लगाएंगे और चुन्नट डाल देंगे। ये दोनों साइड में हमने ऐसे ही निशान लगा हुआ ना, ऐसे इस पे चुन्नट डालनी है। इसमें हम कट लगा लेंगे यहाँ पे छोटा सा कट, उससे पता चल जाएगा कि हाँ हमने हमने 7 इंच लिया था, तो 1 इंच ज्यादा ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा चुन्नट में आएगा वो 1 इंच बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमने चुन्नट शुरू करनी है। फिर यहाँ पे भी जैसे कि इसकी सीध में यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, अब इसको हम धागे को खींच देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही डालनी है, ये हमारी चुन्नटें हो चुकी हैं कंप्लीट। ये हमारी स्लीव्स आगे से भी और ये ऊपर से नीचे से भी, ऊपर से दोनों तरह से मोरी है जहाँ पे वहाँ पे भी, और ये इसमें अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ये हमारा टॉप है, यहाँ से शुरू करेंगे बाजू लगानी नहीं।
ये हमारी जो बाजू है ये यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, यहाँ देखिए बिल्कुल बीच में है। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। पे हम इसमें अब रबड़ डाल देंगे, पता चल गया हमारा कि इतने में हमने चुनट्टे डालनी थी और डल गई हैं, यहाँ पे रबड़ डाल लेंगे। ये हमने हमारी मोरी के अकॉर्डिंग ले ली है, जैसे कि देखिए 9 की हमारी मोरी है और ये 10 की हमने ले ली है, ठीक है। 1 इंच हमारा सिलाई के लिए दबेगा। अब इसमें यहाँ पे हम शुरू करेंगे रबड़ डालनी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलाई शुरू कर दी है, खींचेंगे रबर को, हमारे पूरी रबर को पूरी तरह से खींच देंगे ताकि खिंचाव होता है इसमें। और अब इस पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, दबा दबा के आराम आराम से, और इस पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। ऐसे खींचेंगे इसको और एक हाथ से यहाँ से दबाएंगे, उसके पीछे ठीक है। ये हमारी लूप हो जाएगी पूरी बाजू में, हम ऐसे इसको खींचेंगे और यूँ लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे। ये हमने बेल्ट बना ली है, 2 स्टिप जो हमारी मिडी में साइड में लगेंगे ना, देखना। अब हमने ये बाजू भी लगा ली है, रबड़ डाल दी है, अब इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से और यहाँ पे हम बेल्ट को रख देंगे। फिर जो हमारी स्टिप बनाई है उनको हम यहाँ पे रखेंगे, जहाँ तक हमारा ये टॉप है ना, यहाँ उस पर पूरे पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। Thank you.
दोनों साइड में ऐसे ही सिलाई लगा देंगे फिटिंग। हमने फिटिंग लगा दी दोनों साइड से। अब नीचे से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस पर हम ऐसे। और जब ब्रेब होती है जहाँ पे वहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे इस पर। इस पूरे घेर में नीचे वाले में हमें ये सिलाई लगानी है। आराम से लग रही है, देखिए कितनी भी हमारी रेब हो यहाँ पे नीचे वाले को खींचेंगे और अच्छे से हमारी सिलाई लगती है, देखिए ठीक है ना, ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये हो गई हमारी मिड्डी सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ये हमने पफ वाली बाजू बना दी है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।